थल सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू ने युवाओं से हिंसा न करने की अपील की है। वीएस राजू से बात की हमारे संवाददाता नीरज राजपूत ने, सुनिए क्या कर रहे हैं अपील। आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या संदेश और किस तरह से समझाएंगे इन युवाओं को जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस स्कीम को या समझा नहीं पाए उन युवाओं को? मेरा मैसेज ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट की सिलसिला चालू हो चुका है, अगली दो दिन के अंदर इसके बारे में हमारी जो रिक्रूटमेंट का वेबसाइट है उसके अंदर साफ सुथरा सब अनाउंसमेंट होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसके बारे में अनाउंसमेंट होगा। और साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि जो पिछली दो साल में कुछ नौजवान जो इनएलिजिबल हो गए थे बिकॉज ऑफ एज, उसके बारे में हमने सोच विचार करके आज सुबह ही उसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ है कि जो अपर एज लिमिट एज ए वन टाइम एक्सेप्शन 23 साल किया जाएगा 21 की वजह से। और इससे फायदा यह है कि हर नौजवान जो पिछली कुछ सालों में जो तैयारी कर रहे थे उन सबको अपॉर्चुनिटी है। सो मैं चाहता हूं कि अपना अपना गांव में जाइए, शहर में जाइए और रिक्रूटमेंट की तैयारी करिए। कंपटीशन होगा बट मुझे यकीन है कि जो मेहनत करेगा वो फौज के अंदर अग्निवीर बन के आ सकता है। सर, एक और सवाल खड़ा हो रहा है इस स्कीम को लेकर, काफी सवाल भी खड़े हुए इसको लेकर कि क्या अब जो सेना है वो क्या नौकरी का विकल्प नहीं है, रोजगार का विकल्प नहीं है? आप सिर्फ देश की सेवा और सुरक्षा के लिए आइए और आप उसके बाद किसी दूसरी जगह पर नौकरी अगर चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं तो चले जाए। देखो, अपॉर्चुनिटी तीन कसम के लोगों के लिए है। अग्निवीर के लिए है जो चार साल के अंदर जो फौज के अंदर आना चाहता है, एक सोल्जर की नौकरी करना चाहते हैं, और उसके अंदर जो 25% आदमी जो हम रखना चाहते हैं जो फिजिकली फिट है, जो जो उसको एप्टीट्यूड और एटीट्यूड फौज के लिए सही है, हम उसको रोकेंगे, वो परमानेंट सोल्जर बनेगा। जो बाकी 75% जो है वो सोसाइटी के अंदर जाएंगे और इस चार साल के अंदर उसको हमने चार साल का एक्सपोजर दिया है, एक्सपीरियंस दिया है ये मान के चलिए, और ये चार साल के अंदर उसको 11.72 लाख तनख्वाह मिल रहा है, तकरीबन 11.71 सेवानिधि की पैकेज मिल रहा है। सो अगर 18 साल में अगर बच्चा आ चुका है तो 22 साल के अंदर वो निकल रहा है। सो अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकता है, खुद एक एंटरप्रेनर बनना है तो 12 लाख कम नहीं है एक धंधा चालू करने के लिए। अगर वो आगे कोई गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है या प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उधर भी जा सकता है। सो कहने का मतलब है उसके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी चार साल के बाद होगा। और आज का दिन में सिविल के अंदर एम्प्लॉय करने के लिए क्या देखते हैं? एक फिजिकली फिट हो, मेंटली साउंड हो, डिसिप्लिन्ड हो, लॉयल हो, ये सब खूबियां हमारी जवान के अंदर है। सो मेरे हिसाब से किसी को कोई मतलब संकोच नहीं होना चाहिए अग्निवीर बन के आने के लिए। और चार साल की नौकरी के बाद अगर जिसको रहने का मौका मिलता है वो रहे, और जो बाहर जाता है तो उसको एक अलग ही दुनिया खुल जाएगा। तो थल सेना उप प्रमुख ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप लोगों का ये गुस्सा ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, इससे आपको फायदा होगा। चार साल का एक्सपोजर सेना के द्वारा आपको दिया जाएगा और फिर आपको कोई भी नौकरी मिलेगी। सिटी जानिए, कोरिया सिटी। हाँ, कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। Thank you.
कुरियर सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।